सो व्हाट्स अप गाइस, राकेश दादा इजी। आज हम खेलने जा रहे हैं वापस से माइनक्राफ्ट ट्रायल। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मैंने सबसे पहले पिगलिन फार्म बनाया था, पिगलिन ट्रेडिंग फार्म बनाया था। मैंने पिगलिन फार्म ट्रेडिंग फार्म इसलिए बनाया था कि मुझे एंट्रपल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले गोल्ड यहाँ पर इंकट लेके मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड के इंकट तो पड़े थे, या तो बहुत सारे गोल्ड के इंकट पड़े थे यहाँ पर। सबसे पहले पिगलिन से ट्रेडिंग करने के बाद सबसे पहले हम पिगलिन से एंटरप्राइज के ले लेंगे। और सबसे पहले एंटरप्राइज लेने के लिए हमको नेदर पोर्टल एक्टिव करने के लिए उसके लिए ब्लेस पाउडर भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में ब्लेस पाउडर भी लेकर आए थे। और देखो मेरे यहाँ पर पिगलिन ट्रा में सबसे पहले ऑब्जर्वर को सारे डिस्पेंजर इसको ऐसे ले लेंगे और यहाँ पर इसको एक्टिव कर देंगे। देखो जैसे एक्टिव हो चुका है, देखो हम पिगलिन से गोल्ड यहाँ पर गोल्ड ट्रेड करने लगे। और देखो पिगलिन किसे पागलों की तरह गधे की तरह कितने फास्ट ट्रेड करते जा रहे हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया है। और सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं। हम सबसे पहले देखो मेरे पास 12 हो चुके, 12 एंटरप्राइज तो हो चुके, और मुझे लगता है यहाँ पर भी थोड़े बहुत एंटरप्राइज थे। देखो मेरे यहाँ पर ब्लेस रॉड और ब्लेस सॉरी एंटरप्राइज को रखा था मैंने। और देखो मेरे पास टोटल बहुत सारे हो चुके। सबसे पहले इसको ब्लेस पाउडर को कन्वर्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले उसके बाद हम बनाएंगे 21 एंटरपल। देखो हम एंट्रपल बन चुके हैं। एंट्रपल बनने के बाद हम हमारे काम है देखो 24। और देखो सबसे पहले यहाँ पर एंट्र चेस्ट भी बना लेते हैं। एंट्र चेस्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए ऑक्साइड। आपको एंट्रपल को बारे में पता नहीं होगा कि मैं आपको बता दूंगा एंट्रपल आपको एंट्र चेस्ट कैसे काम करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एंट्र चेस्ट ऐसे दो बना लें। दो बनाने के सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर एंट्रपल और ब्लेस पाउडर यहाँ पर रख दे तो सेफ इसलिए रहें कि मैं कभी मर जाऊँ तो इसके खोना चाहिए, इसलिए मैं उसको सेव कर रख दिया। और एक एंट्र चेस्ट यहाँ पर रख देंगे और दूसरा एंट्र चेस्ट हम यहाँ पर दूर यहीं पर कई जगह पर रख देंगे। और देखो मैंने यहाँ पर जैसे कुछ सामान फेंक दिया उस एंट्र चेस्ट में ऑटोमेटिक में आ जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पर भी आ जाएगा मुझे लगता है। और मुझे यहाँ पर आना चाहिए, देखो फाइनली यहाँ पर भी आ चुका है। देखो मैंने इसको उठा लिया और मैं आपको फिर से ट्राई करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने चारों सामान यहाँ पर रख दिए और उस चेस्ट में यहाँ पर देखो यहाँ पर इस चेस्ट में आ चुके हैं। देखो सारे कितना वर्किंग है, ये बहुत अच्छा ये होता है एंट्रेस्ट के यही तो फायदे होते हैं। वो देखो सबसे पहले हमको डायमंड की पिकिक्स भी बना, डायमंड की पिकिक्स इसलिए बनाना कि वो हमेशा सिल्क टच वाली पिकिक्स से टूटता है, नहीं तो अदर पिकिक्स से तोड़ेगा तो आप ओक वाई का टूट कर ख़त्म हो जाएगा। और सबसे पहले हम पिकिक्स बनाया था उसको मैंने सबसे नेदरराइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो फाइनली मेरा नेदरराइट को कन्वर्ट हो चुका है। और सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर स्टॉक ऐसे सॉरी लकड़ी से रखने के बाद सबसे पहले चलते हैं विलेजर के पास जाने के बाद सबसे पहले उनके पास ट्रेडिंग करेंगे, देखते हो सिल्क टच कितने भी दे रहे। वो देखो फाइनली हमारा सिल्क टच वाला जो विलेजर मुझे मिल चुका है। सबसे पहले हमको जाएंगे नेदरराइट में इसको सिल्क टच वाला पिकिक्स से बना लेते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर इधर की नेदर की सॉड और देखो फाइनली हमारा सिल्क टच वाला पिकिक्स बन चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पर इसे तोड़ेगा तो ये तो ऑटोमेटिक टूटेगा नहीं, और आपको अलग पिकिक्स से तोड़ेगा तो ये टूट कर ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर से नहीं मिलेगा, आपको फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले चलते हैं हम एंड पोर्टल ढूंढने। और देखो आपको हवा में इसे उछल देना, उछलने के आपको जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपको उस डायरेक्शन को फॉलो करते चले जाना है। और देखो मुझे इससे मुझे लगता है इस डायरेक्शन मुझे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखो फाइनल में दो छोड़ दिया शायद से, मुझे लगता है यहाँ पर दो निकल गए। आपको हमेशा एंटरप्राइज का पीछे करते रहना। देखो मेरे यहाँ पर कितने सारे हरे पता नहीं मेरे कितने छोड़ दे। और देखो मैं कितना बहुत ज़्यादा दूर लगातार मैं ये सॉरी एक घंटे से मैं यहाँ पर चले जा रहा हूँ। मुझे अभी तक एंड पोर्टल में अभी तक मुझे मिला नहीं है। सबसे पहले मैं चलते जा रहा हूँ। और देखो मेरे रास्ते में डर्ट आ चुका है, डर सॉरी ये क्या बोलते उसको कैप्टस पता नहीं इसको क्या बोलते ये आ चुका है, ये कलेक्ट करने लग उसका कलेक्ट करने में बिजी हो गया था मैं। और देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर विलेज है सॉरी यहाँ पर एंड का पता नहीं इसको क्या बोलते टेंपल शायद टेंपल बोलते शायद ये मेरे टेंपल ही लग रहा है मुझे, इसका रास्ता तो नहीं मिल रहा है मुझे पता नहीं। और देखो फाइनल इसका रास्ता भी मिल चुका है। सबसे पहले आप मुझे लगता है यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, इस यहाँ से धीरे धीरे जाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं नीचे गिर गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ तो है भाई। और इस चले सबसे पहले इसको तोड़ते यार, तोड़ने के बाद हम चलते सीधा नीचे, चलो फटाफट से नीचे चलते हैं। देखो यहाँ पर देखो उस ब्लॉक को देख रहे हैं आपको काला ब्लैक ब्लॉक है, उसके ऊपर आप पैर रखोगे तो आप सीधा नीचे चले जाओगे। सबसे पहले चलते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर चेस्ट में कौन सी बुक है, मुझे इस बुक तो नहीं चाहिए, चलो कुछ काम का कुछ सामान भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और देखो यार इस वाले चेस्ट में क्या रखा है, मुझे लगता है इस चेस्ट में भी कुछ नहीं होगा, शायद गोल्डन एप्पल गोल्ड पता नहीं क्या क्या भरा था, ये कचरा भरा है सब चेस्ट में, कचरा ही रहेगा।
देखो हमारे दो गोल्डन एप्पल थे मिल चुके। इस ब्लॉक में भी एक एंचेंटिंग गोल्डन एप्पल था, इसको ले लिया। वो लेने के बाद सबसे पहले चलते ऊपर, और देखो हम उस पर इस ब्लॉक पर इसे पार पे रखेंगे, हम सीधा चले जाएंगे नीचे। देखो हम फाइनली हम नीचे चले जाएंगे, अभी देखना आप। पर देखो फाइनली हम यहाँ पर टीएनटी से अभी मरते मरते बचे थे। देखो मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है, कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले ऊपर भी चलते हैं। ऊपर जाने के बाद मुझे मेरे सामने आ चुका था एक, पता नहीं इसको ये माइन शॉप मुझे भी लगता है ऐसे बोलते हैं। देखो यहाँ पर माइन शॉप था, माइन शॉप भी थी। और देखो हम सबसे पहले यहाँ पर टॉर्च उठा लेते, सबसे पहले चलते माइन शॉप के अंदर। अरे क्या शुरू होने से माइन शॉप ख़त्म हो गई, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई, पता नहीं क्या माइन शॉप बनेगा, कितना ऊपर यार माइन शॉप। वो रास्ते मुझे एक और जगह मिली थी, पता नहीं जगह के बारे में मुझे आज पहली बार देख रहा हूँ, पता नहीं जगह कैसी, मुझे कोई पता नहीं। देखते इसको अंदर चलते, इसको अंदर तो कुछ भी नहीं, साले खाली खाली पड़ा। मुझे लगता है टेम्पल किसी तरह का, मुझे कोई पता नहीं। चलो सबसे चल आप माइनिंग करने फिर से चल पड़ते हैं दूसरी जगह। और देखो फाइनली हमारे विलेज के पास, तो आज को यहाँ पर देखो एक और विलेज मुझे मिल चुका है, शायद हम यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे वहाँ की तलाश थी, वहीं आप यहाँ पर आ चुके हम। और देखो आने के बाद सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट बता दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट आपको कहाँ पर जाने। सबसे पहले यहाँ पर दो, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक माइनिंग कर देनी आपको, मुझे जैसे माइनिंग कर। अरे भाई 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 ये क्या माए लावा में तो मर गया सा, ये शिट यार, मुझे फिर से यहाँ पर दोबारा से आना पड़ेगा शायद। देखो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर दोबारा से आना पड़ेगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं क्या होगा सीन भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम ही लग रहा है। चलो देखो फाइनल में यहाँ पर दोबारा से आ चुका हूँ। देखो शायद एक घंटे से मुझे यहाँ पर मैं आने की कोशिश कर रहा था, मुझे रास्ते नहीं मिल रहा था। मैंने पिछली वाली वीडियो कोऑर्डिनेट चेक किया, फिर से मैं यहाँ पर लौट कर आ चुका, और देख सकते यहाँ पर मुझे फिर से आ चुका हूँ। देख सबसे पहले मुझे उस मुझे अंडर चेस्ट हुए सारा सामान मेरा नीचे गिर गया होगा। और देखो मेरी बहुत महंगी वाली दो पिकेक्स थी, एक सिल्कस वाली और नेदरलैंड की, दोनों नेदरलैंड की पिकेक्स थी, जो वो पिकेक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। सबसे पहले अपन मुझे पानी उठा लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं पानी से मुझे मिलता नहीं। अरे पानी नहीं मिल रहा यार, सबसे पहले उस लावा को भी बुझाना पड़ेगा। अरे यार लावा मरे, शायद मैं मरते मरते बीच फिर से मरते मरते बीच का। सबसे पहले यहाँ पर पानी डाल देते हैं, सबसे पहले आपको आग बुझा लेते हैं। आग बुझाने के बाद सबसे पहले वाटर को कलेक्ट कर लेंगे, और सबसे पहले चलते हैं उस सेंट पर। मुझे सबसे पहले यहाँ पर सेट, मैंने स्पॉन पॉइंट यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद सबसे पहले चलते हैं उस लोहे के पास, पता नहीं उसको माइन के पास चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेक की थी, वहाँ पर चले जाते हैं सबसे पहले, और देखते यहाँ पर मुझे पता नहीं, यहाँ पर मुझे सब लगता है कि बहुत ज़्यादा लाव हो सकते हैं, मुझे कोई पता नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर तो मैंने बाइन किया था, नहीं नहीं यहाँ पर तो ये वाली जगह नहीं थी, शायद वो अलग ही जगह थी, मुझे पता नहीं कौन सी जगह थी। इस वाली जगह पर मुझे लगता नहीं ये वाली जगह थी, चलो ये वाली जगह तो नहीं है। सबसे पहले इस नहीं ये वाली जगह नहीं थी मुझे लग रहा है। और देखो फाइनली मुझे जगह तो नहीं मिल रहा यार, कोऑर्डिनेट फिर से चेक करना पड़ेगा मेरे को। चलो यहाँ वो देखो यहाँ पर थी जगह वाली, यहाँ पर देखो सबसे पहले पानी का वाटर कैसे डालते, सबसे पहले लावा निकलना यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले लावा का निकालते यार, लावा किसी काम करना। देखो मेरे डायमंड की पिक्स अभी भी दिखी थी आपको, देखो मेरा अभी मैंने डायमंड की पिक्स नोटिस किया था मैंने, और पता नहीं डायमंड की पिक्स मुझे मिलेगी कि नहीं, मुझे पता नहीं कोई शायद। सबसे पहले थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा मुझे को, और फाइनली मेरे नेदरलैंड की पिकेक्स मिलने के बाद मैं फिर से मर चुका था। मरने के बाद सबसे पहले चलते यहाँ पर मैं दूसरी जगह पर माइन कर, आप जैसे ही मेरी जगह मेरी कोऑर्डिनेट पर माइन करते चले जाना, आपको नीचे चले जाना है, और आपको वहाँ पर सीधा पर एंड पुरल के ऊपर माइन करके, तो आप सबसे पहले लावा में गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं इस जगह पर, तो आज का मुझे पता नहीं यहाँ पर एंड पोर्टल कहाँ पर मुझे मिलेगा। और देखो फाइनली मुझे एंड पोर्टल तो यहाँ पर जगह दिख चुके, यहाँ पर तो आपको दो ब्लॉक ऐसे माइन कर देने। देखो मेरा यार लावा से बच कर रहना यार, लावा मर गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मेरे पास अभी नेदरलैंड का आर्मर भी नहीं, नेदरलैंड का आर्मर भी मेरा ख़त्म हो चुका था। और देखो सबसे पहले हम यहाँ पर कितना ज़्यादा रोशनी आ रहा है, एक घोड़े पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर मॉब स्पॉनर भी है। देखो हम आ चुके फाइनल नेदर एंड पोर्टल के पास, इसे एक्टिव करने के लिए मेरे पास एंड पोर्टल आई नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट वाले एपिसोड में इस एंड पोर्टल को एक्टिव करने के बाद हम इस एंड पोर्टल में जाने के लिए ट्राई करेंगे। एंड पोर्टल में जैसे जाएंगे हम यहाँ पर इलाइट और शल्कर बॉक्स भी लेकर आएंगे। मिलेंगे आपको ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।